आपके साथ रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा हेल्दी होने वाली है, क्योंकि उस रेसिपी का नाम है खड़ी भिंडी। सब्जी के जो शौक हेल्दी है, बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी, जिनके घुटनों में दर्द होता है इनके लिए भिंडी है कि भिंडी खाएं, क्योंकि ये लुहाव बनाती है आपके अंदर और आपको तेज से दौड़ने की हिम्मत देती है। आप जल्दी जल्दी दौड़ेंगे, जल्दी जल्दी भागेंगे, जल्दी जल्दी फिरेंगे। तो अगर आपको खानी होगी भिंडी तो भिंडी खाएं और हेल्दी लाइफ गुजारें। तो चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी, और रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। खड़ी भिंडी बनाने के लिए यहाँ हमने ले लिया 1/2 kg। यहाँ देख सकते हैं हमने इसे अच्छी तरीके से वॉश करने का, इसे हमने ड्राई कर लिया है, इसकी हम करेंगे अब कटिंग। देख सकते हैं हमने भिंडी ले ली है कदर, इसकी हम करते हैं कटिंग। ये देख सकते हैं हमने भिंडी की कटिंग कर ली, इसी तरह तमाम भिंडी की कटिंग करने का फिर मिलते हैं कि कर लिया है कटिंग, इसको अब हम करते हैं फ्राई। बनाने के लिए यहाँ हमने एक कढ़ाई ली, कढ़ाई के अंदर हमने 4 tablespoon डाल दिया ऑयल, की अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे हम कटी हुई भिंडी। यहाँ देख सकते हैं ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, इसमें ऐड कर देंगे हम भिंडी। यहाँ देख सकते हैं हमने भिंडी इसमें ऐड कर दी है, इसको अच्छी तरीके से हम फ्राई करेंगे 5 से 6 मिनट तक। भिंडी फ्राई करने से बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा जायका आता है। भिंडियों को हम कर रहे हैं फ्राई, बिल्कुल ड्राई करके फ्राई करें। अगर आप गीली गीली भिंडी को काट लेंगे और फ्राई करेंगे तो पूरी आपकी भिंडी लेसदार हो जाएंगी, इसलिए आपको चाहिए हमेशा जब भी भिंडियाँ बनाएं इसको बिल्कुल ड्राई कर लें, उसके बाद इसकी कटिंग करें, उसके बाद इसको करें फ्राई। तो बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होंगी भिंडी, जो भिंडी नहीं खाता वो भी भिंडी खाने में मजबूर हो जाएगा। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, हमने भिंडियों को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया, इसको निकालते हैं एक बॉल के अंदर। बॉल के अंदर फ्राई कर लिया था, उसको निकाल लिया एक बॉल के अंदर। इसी ऑयल के अंदर हम ऐड कर देंगे 1 teaspoon जीरा, इसे हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया 1 tablespoon। अब हम इसे अच्छी तरीके से कुक करेंगे 1 से 2 मिनट तक, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए। यहाँ देख सकते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर हमने 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से कुक कर लिया। इसमें ऐड कर देते हैं 2 tablespoon पानी, 2 tablespoon पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले नीचे ना लगें। कुटी हुई मिर्च 1.5 teaspoon, 1.5 teaspoon ये हमने कुटी हुई मिर्च इसमें ऐड कर दिए हैं। 1/2 teaspoon ऐड करेंगे कुटा हुआ धनिया, ये हमने 1/2 teaspoon कुटा हुआ धनिया ऐड कर दिया है। 1/2 teaspoon नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर, हमने तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए। इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से करेंगे कुक, ताकि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से कुक कर लिया, इसमें ऐड कर टमाटर का पेस्ट हम ऐड करें 1 कप, टमाटर का पेस्ट। अब हम इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरीके से कर लेंगे कुक। पेस्ट डालने का इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से कुक कर लिया, इसमें ऐड कर देंगे 2 tablespoon दही। यहाँ हमने 2 tablespoon दही इसमें ऐड, इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे 1 से 2 मिनट तक कुक कर लेंगे दही डालने के बाद भी। यहाँ देख सकते हैं हमने दही इसमें ऐड कर दिया, इसे हम कुक करेंगे 1 से 2 मिनट तक। 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से कुक कर लिए, ऑयल सेपरेट हो चुका है, इसमें हम ऐड कर देंगे फ्राई की हुई भिंडी। अब हम इसे अच्छी तरीके से कर रहे हैं मिक्स, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनके तैयार होती है भिंडी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लंच टाइम पे बनाएं, डिनर में बनाएं, जब आपका दिल चाहे इसे बना सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे 2 अदद हरी मिर्चें और 1/2 lemon का जूस, यहाँ देख सकते हैं हम लेमन जूस ऐड कर रहे हैं, लेमन जूस और ये हमने हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं। मिक्स करते हैं हम इसे, कवर करके रखेंगे खड़ी भिंडियों को, हम 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके रखते हैं दम पे, ताकि ये अच्छी तरीके से मजीद कुक हो जाए। 5 से 6 मिनट के ब्रेकर से आपको दिखाएंगे इसका लुक। भिंडी को 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, हमने इसको दम पे रखा था, इसका कवर हटा के आपको इसका लुक दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सा इसका लुक है, कितने ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुई है। अब इसमें मजीद 4 चांद लगाएंगे हम बारीक कटा हरा धनिया के साथ, बहुत ही खूबसूरत लग रही है, मेरे मुंह में तो इस टाइम पानी आ रहा है, बहुत ही अच्छी बन। यहाँ देख सकते हैं हमने भिंडी के अंदर ऐड कर दिया है हरा धनिया, जो हर रेसिपी को 4 चांद लगाकर हसीन बनाता है। तो इसको हम मिक्स करते हैं और उसको डिश आउट करने का दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। यहाँ देख सकते हैं खड़ी भिंडी हो चुकी है कम्प्लीट रेडी, से हमने गार्निश करा बारीक कटा हरा धनिया के साथ, जो हर रेसिपी को 4 चांद लगाकर हसीन बनाता है। बहुत ही ज़्यादा यमी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनके तैयार हुई है, इसका टेस्ट बहुत ही मनफरद है, आप इसे ज़रूर बनाइए एक बार मेरे कहने पे, और इंजॉय कीजिएगा राइस के साथ, नान के साथ, ठेके साथ भी इंजॉय कर सकते हैं।
तो रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इसी तरह देखते रहे हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।